अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 406 लेसन नंबर 22 कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस 1। पहले हम बात कर लेते हैं जेरोम बर्नर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो उन्होंने लेट 50s में पेश की थी। उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस सब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है और स्टूडेंट को बजाय ये कि पैसिव लर्निंग करे एक्टिव लर्निंग करनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग उस वक्त होगी जब बजाय ये कि हम चीज़ों को सीखने के चीज़ों को तलाश करना शुरू करें, रीजनिंग करना शुरू करें। तो इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को याद नहीं करते बल्कि आप चीज़ों को तलाश करते हैं, नॉलेज को तलाश करते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक और थ्योरी है डेविड एंसुबिल की, जिनका ये मानना था कि आपने अगर नॉलेज को रिसीव कर नॉलेज हासिल करना है तो आप नॉलेज जो ऑलरेडी मौजूद है उसको रिसीव करें, ना कि डिस्कवर करें। और इन्होंने दो जो है वो रीजनिंग के साथ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को फैसिलिटेट किया। पहला था इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें एक इंसान जो है वो अपने नॉलेज के को इस्तेमाल करते हुए जनरल प्रिंसिपल्स बनाता है। दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें एक इंसान जो है वो जनरल नॉलेज के बुनियाद पर स्पेसिफिक कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है। एनोसिबल के बारे में जो उसकी जो थ्योरी थी उस पर मज़ीद एलोबरेट करने के लिए हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। कैसे एक बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? ज़ाहिर है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो तब जब वो अपने ऑलरेडी मौजूद नॉलेज को इस्तेमाल करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फाइंडिंग न्यू आंसर्स टू रीच अ गोल और क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम को नया सॉल्यूशन देना। कैसे? यूजिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को इस्तेमाल करते हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरल और डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है कि आप किसी खास स्पेसिफिक डोमेन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। जनरल स्पेसिफिक, जनरल डोमेन का मतलब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो जनरल है, जो एक खास डोमेन के लिए नहीं है। इट अपेयर्स दैट पीपल मूव बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक अप्रोचेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। ये देखा गया है कि जो लोग हैं वो इन दोनों टाइप्स ऑफ डोमेन्स के साथ चलते रहते हैं। कभी वो जनरल डोमेन में आ जाते हैं, कभी वो स्पेसिफिक डोमेन में आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, ये भी डिपेंड करता है कि वो खुद कितने एक्सपर्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि खास डोमेन के अंदर रहते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्ट्रैटेजीज है जिन पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। एल्गोरिथम आमतौर पर डोमेन स्पेसिफिक होता है, खास सब्जेक्ट के लिए होता है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरतीब से एल्गोरिथम बना होता है उसी तरतीब से आपने लेकर चलना होता है। अब बदकिस्मती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है वो हैपहैज़र्डली चलते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहला ये वाला स्टेप अप्लाई कर लेते हैं, फिर सातवां स्टेप पे जाते हैं, फिर स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस वजह से वो वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते जो और वो उन अवामिल पर पूरा नहीं उतरते जो पेजेंट ने डेवलप किया था एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपको एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम में अगर आपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का दूसरा तरीका है हेरोस्टिक्स, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकता है। तो जनरल स्ट्रेटजीज या जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम हेरोस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस काफ़ी तरह के हमारे पास हेरोस्टिक्स होते हैं। पहला होता है वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। तो इसमें होता है स्टूडेंट जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैकवर्ड चला जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है और फिर वो चीज़ों को सॉल्व करता है। दूसरा होता है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? वेयर वन लिमिट्स द सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स, यानी एक जो है बंदा जो है वो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लिमिट में लगा देता है कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन भी नहीं कर, ये भी सॉल्यूशन लिमिट पे लग गया, ये सॉल्यूशन भी लिमिट पे लग गया। तो जब दो तीन सॉल्यूशन लिमिट पे लग जाते हैं तो फिर चौथा रास्ता निकल आता है, चार लग जाते हैं तो फिर पांचवा रास्ता निकल आता है। तो इस तरह से एनालॉजिकल थिंकिंग काम करती है। एक और तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक मुश्किल एक प्रॉब्लम है, आप क्या करें, आप उसको वर्बलाइजेशन में ले आए, यानी उसको आसान लफ्जों में जो है वो बयान कर दें तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाती है। रिकमेंडेशंस क्या है एज अ टीचर आपके लिए? यू शुड नो अबाउट वेरियस स्ट्रेटजीज
जो अवेलेबल है आपके पास एल्गोरिथम है, हेरोस्टिक्स है, बैकवर्ड है, लॉजिकल थिंकिंग है, वर्बलाइजेशन है, कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है उस वक्त जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम पर आपने अप्लाई करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर। उम्मीद है कि एज अ स्टूडेंट आप इस लेक्चर को बड़ी अच्छी तरह कवर करेंगे और आगे जाकर एज अ टीचर भी आप लोग बेहतरीन टीचर्स बनेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।